टेन टॉप ये कोई नहीं कह रहा कि सभी हैं, पर सवाल ये है कि जांच के लिए सभी तैयार हैं या नहीं है। तो हर जगह जांच का समर्थन सब कह रहे हैं या फिर साजिश का आरोप लगाकर इस पर दरवाजा बंद करके ड्रग डिफेंस लीग बना रहे हैं। हर जगह यहाँ है। ठीक है गौरव जी, छोटा सा जवाब आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। गौरव जी आप ही की तरफ है। मैं मान रहा हूं, मैं रजा जी की बात को ध्यान से सुनने के बाद मैं एक ही बात कहूंगा। रजा जी आपने माना कि बॉलीवुड में ये सब हो रहा है, तो आप बताइए कितने मामले इंडस्ट्री से खुद सामने आए? कभी आपने सुना है कोई सुपरस्टार आया उसने कहा इस अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ दुराचार हुआ है मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, ड्रग्स ली हैं इसलिए मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं? और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जुडिशरी पे करप्शन का दाग लगने लगा, सारे जजेस ने कहा कि वॉलंटरली स्वैच्छिक हम लोग अपनी संपत्ति घोषित करेंगे। मैं तो आज अपील करता हूं आज तक पे अंजना जी, सारे एक्टर जो हैं स्वेच्छा से अपना ड्रग टेस्ट करा लें, जो सामने नहीं आएगा वो भी पता चल जाएगा ड्रग लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि आप लोग आइकॉन्स हैं, क्योंकि यहां भारत का युवा हो वो आपकी तरफ देखता है। आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि ये उड़ता बॉलीवुड नहीं है और सारे गबरू सुइयां लगा के टाइट है, अब इसीलिए लेडीज ने अपने ऊपर जिम्मा उठाया है, ये उड़ता पंजाब में ही कहा था। अब समय आ गया है कि आप लोग जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अंदर से आवाज आए बॉलीवुड के कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं रखेंगे। तिवारी जी शिवसेना लेकिन ऐसा कुछ करने को तैयार है कि नहीं है? सुनने में बड़ी अच्छी लगती है आपकी, ठीक है ना, ये जो बातें हैं सुनने में बहुत मीठी लगती है। मैंने आपको अपने इंस्टीट्यूट का उदाहरण दिया उसके बाद मैंने ये मांग करी, अगर ड्रग नहीं लेते तो स्वेच्छा से क्यों नहीं ड्रग टेस्ट करा सकते आप मुझे बताइए। रजा साहब सारे खान पहले आए बाहर और कहे हम ड्रग टेस्ट करा रहे हैं, अच्छा उदाहरण होगा देश के। जिस पर आपको शक है आप नाम लीजिए, जिस पर आपको शक है आप नाम लीजिए। मुझे किसी में कोई शक नहीं, मैं जिम्मेदारी के निर्वहन की बात कर रहा हूँ। शाहरुख खान आमिर खान जितने दिग्गज है बॉलीवुड के सारे बाहर आके कहे हम ड्रग टेस्ट करा रहे हैं, और आप भी जो है कराइए, जो नहीं आएगा खुद पकड़ा जाएगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। रजा साहब आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ तिवारी जी, देख रही हूँ आपको, आपके हाथ को रुके। रजा साहब वो कह रहे हैं ए लिस्टर्स को सामने आना चाहिए जैसा कंगना भी कह रही है। देखिए ऐसा है, अगर आपको किसी पर शक है, अगर जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं तो बताइए, आप नाम तो बताइए ना पहले। सिर्फ ये कहने से तो नहीं होगा कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, नाम लीजिए आप। रजा जी मैं दुआ करूंगा नाम लीजिए, आप उनको सामने लाइए। और अगर आप ड्रग्स पे ना और अगर आप नाम लेंगे तो अगर आप नाम लेंगे तो लोग सामने आएंगे। जब आप अंधेरे में लाठी चला रहे हैं तो उससे तो कुछ होगा नहीं ना, आप नाम लीजिए। अंधेरे में दिया जला के प्रकाश जला रहा हूं मैं बिना, और ये दिया जलाना चाहिए बॉलीवुड के जो दिग्गज हैं जैसे आप हैं। अभी तो थाली बज रही है। मैंने दो तीन नाम और लिए क्योंकि वो दिग्गज माने जाते हैं, दिए से रोशनी करने का काम उनका है। तिवारी जी बोल रहे, तिवारी जी को सुनाई, तिवारी जी, तिवारी जी का फोन कट गया। मैं क्या बोल रहा था? बोलिए 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 बोलिए। नोटी तिवारी की क्या कहेंगे, रजा मुराद जी चुप्त दुरुस्त बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी ने बोला कि जो लोग ड्रग लेते हैं उन्होंने अपना टेस्ट चीट करना चाहिए। मैं बोलता हूं राजनीति के अंदर ऐसे आरोप है कि कई नेता अफीम लेने के बाद ही भाषण देते। मैं कह रहा हूं आप लीजिए टेस्ट और ड्रग का, आपके साथ आप बोलिए, आप बताइए तिवारी जी, मैं तो शुरुआत करने के लिए चालू, मैं तैयार हूं। आप ड्रग टेस्ट कराइए आज ही, मैं चलता हूं आपके साथ अपना कराने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। कि सब राजनेता कह रहा हूं हम लोग शुरुआत करते हैं ना, आप केवल नोटी रहेंगे या जिम्मेदार भी बनेंगे? मेरे से करो तुमसे करो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो टॉप टेन है। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा शाहरुख खान आमिर खान सलमान खान ये दिग्गज माने जाते हैं बॉलीवुड के, खुद स्वेच्छा से अपना टॉप टेन बाकियों के लिए।
इसमें क्या गलत बात है? आप देवी पेंगुइन के लिए डरने लगे, हर थाली में छेद है तो क्या कर रहे हो?